नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने महादेव बोटिंग ऐप मामले में एक बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा है। इस प्रोडक्शन हाउस को फिल्म बनाने के लिए हवाला के जरिए पैसे मिले थे। वहीं महादेव बेटिंग ऐप मामले में कई सारे नामी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। जिन सेलिब्रिटीज को बुलाया गया उन्होंने महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में हिस्सा लिया था। इसके बदले उन्हें करोड़ों रुपए मिले थे। महादेव बेटिंग ऐप में कई तरह के गेम, लॉटरी और बेटिंग ऑप्शन है। आसान भाषा में कहें तो ये एक जुआ खेलने का ऐप है। इसमें चुनाव नतीजों के बारे में अनुमान लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि इस ऐप को संयुक्त अरब अमीरात से ऑपरेट किया जा रहा है। आइए आपको महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ी कुछ अहम बातें बता देते हैं। दरअसल ईडी ने मुंबई के कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी की है। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस को फिल्म बनाने के लिए महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से हवाला का पैसा था। ईडी ने मुंबई के अंधेरी में छापेमारी की। ईडी ने यहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस को वसीम और तबस्सुम कुरैशी चलाते हैं। ये प्रोडक्शन हाउस एक टॉप बॉलीवुड स्टार के साथ एक बड़े बजट की फिल्म बनाने में शामिल रहा। इस फिल्म को स्थानीय भाषा में बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे अन्य भाषाओं में डब किया जाएगा। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुंबई दफ्तर पर रणबीर कपूर से पूछताछ की। इसके अलावा कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। श्रद्धा कपूर और टीवी एक्ट्रेस हिना खान का नाम भी इस मामले से जुड़ा हुआ है। ईडी इनसे भी पूछताछ करने वाली है। महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोशन के लिए काम करने वाले कई सारे ए लिस्ट के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ईडी की रडार पर है। सूत्रों ने बताया कि 14 से 15 सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन पर ईडी नजर रख रही है। आने वाले दिनों में इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी, चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर हैं। सुनील दम्मान और अनिल दम्मान दोनों सगे भाई हैं, जबकि चंद्रभूषण छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई है। फिलहाल टॉप लिस्ट के सेलिब्रिटीज ईडी की रडार पर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सट्टा खेलने वाले या खिलाने वाले इस ऐप का आगे मामला क्या मोड़ लेता है।